हेलो एंड वेलकम टू 28th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर सैटिका पेन रिलीफ। जी हाँ, इससे पहले भी मैंने सैटिका पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया हुआ था, पर इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, यानी कि जिनको बहुत देर से सैटिका की प्रॉब्लम चल रही है, उनकी एक्यूट सिम्टम जो हैं डिस्क के वो बंद हो चुके हैं, उनके लिए बेस्ट 3 एक्सरसाइजेस और वो कब कब यूज करनी है और उसका क्या क्या पर्पस होगा। क्योंकि सैटिक ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि L4, L5 और L5S1 रीजन से निकल के जब पिरिफोर्मिस मसल के पीछे से निकलती है तो हमारे पूरे सैटिक रूट में वो अपने सैटिक नर्व अपने रूट में पेन करती है। तो वो कहीं पे भी प्रेस हो तो हमने उस नर्व को स्ट्रेच कैसे करना है, उस मसल से कैसे निकालना है और कैसे हमने L4, L5 और L5S1 रीजन को खोलना है, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट ने इस तरह से सीधा लेट जाना है। अब इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जैसे स्टेनोसिस के पेशेंट हैं या हमारा जो एक्यूट सिम्टम डिस्क के बंद हो चुके हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। वो वीडियो ज़रूर चेक कर लें जिसमें मैंने बताए हैं 5 ऐसे सिम्टम जो कि हम बिना MRI के देख सकते हैं कि हमारा डिस्क प्रोलैप्स जो है वो एक्यूट है या नहीं। तो वो आप सिम्टम ज़रूर देख लें। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब मान लीजिए जो सैटिका है वो हमारा राइट लेग में है, तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, अपने नी टू चेस्ट इस तरह से, इसको फ्लेक्शन एक्सरसाइज बोलते हैं, इस तरह से हमने ये, क्योंकि सेफ एक्सरसाइज है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 सेकंड होल्ड करके फिर रिलैक्स कर लेना है। और ये हमने दोनों लेग से करना होता है, इस तरह से इसको होल्ड करना है नी को चेस्ट की तरफ लगा के 1 2 3 4 5। अब इसको दोनों लेग से इसलिए करना होता है क्योंकि ये एक्सरसाइज में हम अपना L4, L5 और L5S1 रीजन की फ्लेक्शन करवा रहे हैं, तो ये सेफ होता है क्योंकि सिंगल कर रहे हैं। अब कई बार हमें इसको दोनों लेग से भी करना पड़ता है, वो भी हमने जैसे 5 इसके कर लिए तो 5 इसके कर लिए, इस तरह से 5 5 सेकंड होल्ड 10 10 रेपिटेशंस इस तरह से हमने करना है। तो इसमें हम L4, L5 और L5S1 रीजन में जो स्पेस है उसको इंक्रीज करते हैं। तो अब चलते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। अब सेकेंड एक्सरसाइज में हमने इस तरह से लेग्स को फोल्ड कर लेना है। अब मान लीजिए राइट लेग में आपको बताया था कि मैंने प्रॉब्लम है, तो हमने क्या करना है, अब L4, L5, L5S1 रीजन के बाद अब सेटिक नर्व निकलती है हमारी पेरिफोर्मिस मसल के पीछे से। अब पेरिफोर्मिस सिंड्रोम का एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ कि एक स्ट्रेच वाला एक्सरसाइज था और एक स्ट्रेंथ वाला था, पर मोस्टली हम स्ट्रेच वाला एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, अब ये पेरिफोर्मिस स्ट्रेच नहीं है, ये इसका अलग चीज़ है। इस तरह से हमने जो हमारी अफेक्टेड लेग है उसको हमने नॉन अफेक्टेड लेग के ऊपर इस तरह से रख के, अब हमने हाथ से, मतलब जिस तरफ हमारा जो पैर जा रहा है, पैर का जो डायरेक्शन है, उस तरफ को हमने इसको रोटेट करना है। अब इसमें हमने इस तरह से जिस तरफ को हमने लेके जाना है उस तरफ का हाथ उसको रिसीव करेगा, और इस तरह से हमने ये जो चीज़ है ये पूरी आप यहाँ तक टच कर सकते हैं। इसके बाद इस हाथ से हमने इसको रोटेट कर देना है, और ये सारा स्ट्रेच रोटेशन के साथ साथ हमारी जो ये रीजन है, हमारा लंबर रीजन है, उसको भी रोटेट करेगा। अब ये पेरिफोर्मिस मसल को तो स्ट्रेच कर ही रहा है, साथ साथ हमारे जो L4 है, अपना जो लंबर रीजन है, लोअर लंबर, लंबो सेक्रल एरिया है, उसको भी रोटेशन दे रहा है। तो इस तरह से हमने इसको होल्ड करना है, आपको एक शार्प स्ट्रेच फील होगा, उसको भी हमने 5 सेकंड होल्ड करके फिर रिलैक्स कर देना है। इस तरह से हमने 5 स्ट्रेचेस करने हैं। अब ये हमने उसी लेग का करना है जिसमें हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हमने इसको ऑपोजिट कर दिया फिर तो हम फिर से उसको कंप्रेस करने लग पड़े। अब ये आपने उसी लेग पे करना है जिसमें आपको प्रॉब्लम है। मान लीजिए राइट में प्रॉब्लम था, तो इस तरह से हमने इसको रखा, इस हाथ से इसको हमने इस तरह से स्ट्रेच कर दिया रोटेट करते करते। अब ये रोटेशन भी है और स्ट्रेचिंग भी है। तो ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज थी। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमने बताया था कि नी टू चेस्ट एक्सरसाइज इस तरह से हम करते हैं। अब कई लोगों को नी में प्रॉब्लम होती है तो उनको हमने क्या करना है, उनको कहना है कि नीचे से उसको होल्ड कर लें, ऊपर से प्रेशर ना दें। अब नीचे से जब वो होल्ड करेंगे तो उनको प्रेशर नहीं आएगा और इजी रहेगा। इसी तरह कई बार शोल्डर में प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो उनसे स्ट्रेच नहीं हो पाता, तो हमने इस तरह से टॉवल लेके अपने थाई के नीचे से इस तरह से होल्ड करके, अब इस तरह से भी वो फ्लेक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो इनिशियली शुरू कर रहे हैं वो अपनी दूसरी लेग भी फोल्ड रख सकते हैं, और जैसे जैसे उनको आदत पड़ती जाती है या उनका जो रीजन है वो खुलता जाता है या हमारा जो स्ट्रेच काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, तो फिर वो अपनी दूसरी लेग स्ट्रेट करके इस तरह से उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत इजी मेथड होता है, जो जिनको शोल्डर की प्रॉब्लम होती है या जिनको हमारे पास नी की प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से वो इसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का, जो मैंने कहा था कि कैसे पेशेंट्स, जो दूसरे पेशेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं।
तो ये दो एक्सरसाइज होगी, पहली में हमने लंबो सैक्रल रीजन से किया, दूसरी में मसल से किया, थर्ड में पूरा डायरेक्टली सेटिंग नर्व को स्ट्रेच करेंगे। तो इसमें उन्होंने इस तरह से होल्ड कर लेना है, यहाँ से इस तरह से पकड़ के। अब इसको हमने पुल नहीं करना अपनी तरफ, नी को चेस्ट की तरफ नहीं लाना, इसमें हमने 90 डिग्री इसको होल्ड कर लेना है। ये 90 डिग्री होल्ड करने के बाद लोअर लेग को जितना पेशेंट खींच सकता है उतना ही लेके जाएगा। मान लीजिए उसको यहाँ पे स्ट्रेच फील आना शुरू हो गया, उसके बाद उसने अपने पैर को खींच लेना अपनी तरफ। ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि पूरा अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं यहाँ तक, और यहाँ पे फिर उसके बाद पूरा खींचने की कोशिश करते हैं, ओवर स्ट्रेच करने की वजह से उनको पेन आ जाता है, तो उनको लगता है इस एक्सरसाइज से पेन होता है, पर ऐसा नहीं होता। इस एक्सरसाइज से हमारी जो सेटिक नर्व है वो स्ट्रेच होती है, तो वो बहुत ईजी स्ट्रेच होता है। और इसको अगर हम हीट ले लें, इसको करने से पहले हीट ले लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अब आप हीटिंग पैड कौन सा लें, तो मैंने इसका एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है और नीचे इसका लिंक भी दे दूंगा कि हीटिंग पैड कहाँ से बाय कर सकते हैं आप। हीटिंग पैड इसको देखें पूरी लेग पे, पहले बटक पे दीजिए, फिर उसके बाद हमारा थाई के ऊपर और काफ के ऊपर दीजिए, उसके बाद हम इसको लेग को स्ट्रेच करेंगे तो आपको ईजी इफेक्ट आएगा और बहुत अच्छा इसको इफेक्ट आएगा। इस तरह से पकड़ के हमने नी को नीचे से थाई को पकड़ लेना है, उसके बाद लोअर लेग को ऊपर किया जितना स्ट्रेच हुआ उस वहाँ पे मेंटेन करके, उसके बाद पैर को भी अपनी तरफ डोर्सिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं अपनी तरफ खींच लेना है। तो इस तरह से हमने इसको होल्ड करना है 5 सेकंड, उसके बाद उसी पोजीशन से पहले पैर को छोड़ा फिर नी को रिलैक्स कर दिया। इस तरह से हमने इसके 5-5 रेपिटेशंस कर लेने हैं। ये एक्सरसाइज आप दोनों लेग से कर सकते हैं क्योंकि कई बार स्ट्रेचिंग इंटर रिलेटेड होता है, तो स्ट्रेचिंग करने में अगर हम दोनों लेग से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में जो रोटेशन करना है वो सिर्फ एक साइड में करना होता है। तो ये हमें इन तीनों एक्सरसाइज में देखना पड़ेगा कि हमने किस तरह से इसको किया है। इस एक्सरसाइज में ये ध्यान ज़रूर रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी लेग पूरी 90 डिग्री स्ट्रेच होनी चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जब तक पूरी स्ट्रेच नहीं होगी तब तक हमें ये एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको जहाँ पर स्ट्रेच आ जाए आप वहीं पर उसको रोक के अपने पैर को अपनी तरफ खींच लीजिए। ये थी 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर साइटिका पेन रिलीफ। पर इसमें आपने एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जब आपको एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स के सिम्टम है उसमें आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक्यूट सिम्टम में हमें बैक एक्सटेंशन करके उसको ठीक करना पड़ता है। और जैसे क्रॉनिक सिम्टम्स स्टेनोसिस की वजह से साइटिका पेन रिलीफ हो रहा है या साइटिका पेन हो रहा है या नर्व कहीं पे प्रेस हो रही है या टाइटनेस लग रही है, तब हम इस एक्सरसाइज को लेते हैं। अब MRI देख के ये नहीं कह सकते आप कि MRI में तो मेरे L4-L5 डिस्क बल्ज लिखा है, वो तो लिखा ही रहेगा। अब एक्यूट और क्रॉनिक सिम्टम कैसे पता करें उसके लिए वीडियो ज़रूर देख लें। इसमें आपको ऐसे 5 सिम्टम मिल जाएंगे जिसमें आपको खुद से पता लगेगा कि ये एक्यूट प्रॉब्लम है या क्रॉनिक हो चुकी है। तो जब एक्यूट सिम्टम बंद तो हम ये एक्सरसाइज सैटिका पेन रिलीफ के लिए ज़रूर कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज करके हमारे पास जो जितने भी लोगों ने फ़ोन कंसल्टेशन किया है काफ़ियों को ये एक्सरसाइज दी गई और उनको बहुत रिलीफ भी मिला है। अगर आप भी मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं अपनी MRI रिपोर्ट के बारे में या अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो नीचे लिखे नंबर पर जाके आप इसको अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। इसकी छोटी सी फीस होती है उसको पे करके आप हमारे मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा वेटिंग चल रहा होता है, इसका ज़रूर ध्यान रखें, एकदम से प्रेशराइज ना करें या फिर अपने थोड़ा सा पेशेंस रखें क्योंकि इसकी वेटिंग चल रही होती है हमारी। इस पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने की वजह से ही सभी लोगों को इसके बारे में पता लगता है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।